पहाड़ों पर बारिश से नदियां आई उफान पर, गांव में भरा पानी। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के बाद उत्तर प्रदेश के काफी जिलों में नदियां उफान पर हैं। नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। मुरादाबाद में भी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं। खेत में खड़ी किसानों की धान की फसल भी डूब गई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रामगंगा, ढेला व कोसी नदी के पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का पानी आ जाने की वजह से ये नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। मुरादाबाद के रामगंगा नदी के आसपास के ग्रामीण इलाके जलमग्न हो गए हैं। किसानों को भी अपने पशुओं के चारे के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो वहीं बाढ़ वाले इलाकों में फंसी बैलगाड़ियों को भी किसान नाव में रखकर ऊंचे इलाकों में लेकर जा रहे हैं। मुरादाबाद के ढेला नदी में भी बाढ़ का पानी आ गया है, जिसकी वजह से दर्जनों गाँव को जोड़ने वाले रास्ते बाढ़ के पानी में डूब गए हैं, तो वहीं कुछ गाँव में भी बाढ़ का पानी आ गया है। सहेल रेलवे स्टेशन के पास बने अंडरपास में भी बाढ़ का पानी रिसने लगा है। अगर बाढ़ का पानी जल्दी नहीं उतरा तो ये अंडरपास भी पानी भरने से बंद हो जाएगा। उसके साथ ही गांव में आने जाने वाले रास्ते भी पानी में डूब जाने की वजह से अब लोग अपनी जान को खतरे में डालकर रेलवे लाइनों के सहारे बाइक से आ जा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश की वजह से बिजनौर, कालागढ़ डैम से रामगंगा नदी और ढेला नदी में पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से निचले ग्रामीण इलाकों में पानी भर गया है। पानी नाव के इंतजार में खड़े, नाव आज नाव से जाएंगे। अच्छा, तो क्या हर साल ऐसे ही आपको नाव के सहारे खेतों में जाने के लिए? हाँ। तो यहाँ पर पुल नहीं है कोई? पुल हाँ, फेर दिया बाढ़ गाने से, ये पानी आ गया तो। लकड़ी का पुल था? हम्म। तो क्या वो बह गया? नहीं है। अच्छा, हटा लिया मतलब? हम्म। कितनी परेशानी होती है आप पानी जाने? अब पानी आया तो आने जाने में परेशानी होती है, और पानी नहीं होता तो वो पुल से आ जाते लकड़ी के। घर जाएंगे। अच्छा, कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जाना है? खेत पर से आ रहे हैं। खेत पे काम करने के लिए आए? हम्म। कैसे आते जाते हो आप? नाव से आते जाते हैं। अच्छा, कितने रुपए लगते हैं? 5 रुपए लगते हैं एक तरफ के? नहीं, आने जाने के दोनों के। अच्छा, कितनी परेशानी हो रही है जब से नदी का पानी भरा है? पानी में जाते हैं आप तो पूरे नाव, वो पानी ज्यादा। हाँ, एक लकड़ी का पुल था, वो कहाँ गया? वो खेड़ दिया, बह गया।